तो गाइस यार, ये है वेनम और उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन। इन दोनों की लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, पर स्पाइडरमैन को ग्वेन पसंद है, तो उसको यार गर्लफ्रेंड बनाना है ग्वेन को। उससे भी बड़ी बात, हमारे हल्क भैया को वेनम भाई पसंद है। पता नहीं कैसे, वो अभी पता चल ही जाएगा। तो कुल मिला के इन चारों को आपस में पसंदी हो रही है। तो आज हम इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, देखते हैं कैसे। तो चलो यार शुरू करते हैं। पिक्चर देख के तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। मजा तो बहुत आया था, इंटरवेल में मस्त खाना खाया था। अरे यार, ये पिक्चर देखने गए थे, मेरे को भी जाना है। अरे मेरे को भी वेनम के हाथ से पॉपकॉर्न खाने। और बताओ तुम्हारी कोई इच्छा रह गई हो आज के दिन? अभी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा मैं तुम्हारी। ऐसे तो मेरी एक इच्छा रह गई है। हाँ बताओ बताओ। अरे इसकी कोई इच्छा रह गई है? चलो चलो चुपचाप से मैं सुन लेता हूँ। मुझे अपने घर रेड कलर की गाड़ी में जाना है। अलीता, अलीत को तो यार रेड कलर की गाली चाहिए। अरे लुको लुको, जल्दी रेड कलर की गाली ढूंढता हूँ। अरे ये रेड कलर की गाड़ी कहाँ मिलेगी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। अरे क्या, वेनम को रेड कलर की गाड़ी चाहिए, अभी क्या भी लेके आता हूँ मैं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी रेड कलर की गाड़ी लेके आता हूँ। अरे ये रेड कलर की गाड़ी कहाँ मिलेगी? अरे एक सेकंड, सामने तो लाल कलर की गाड़ी खड़ी है। चलो 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 चलो, मुझे गाड़ी मिल गई। अब वो यार ग्वेन मेरे से खुश हो जाएगी, फिर वो मेरे से शादी कर लेगी। चलो चलो। अरे मुझे रेड कलर की गाड़ी मिल गई वेनम के लिए। अरे चलो उसको लेके चलता हूँ। अरे हल्क रुक जा, ये गाड़ी पहले मैंने देखी थी। नहीं, ये गाड़ी वेनम को चाहिए, मैं लेके जाऊंगा। अरे नहीं, ग्वेन को चाहिए गाड़ी, मैं लेके जाऊंगा। नहीं, मैं लेके जाऊंगा। नहीं, मैं लेके जाऊंगा। अरे पित्ती बोला ना, मैं लेके जाऊंगा, हट जा यहाँ से। अरे मेरे को मार मत, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, निकाल यहाँ से। मेरे को गुस्सा आ गया, मैं जा रहा हूँ ये गाड़ी लेके। ग्वेन मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेके आ रहा हूँ, बाय बाय हल्क। अरे रुक जा, इसको नहीं छोड़ूंगा, रुक जा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। पकाओ गाड़ी को, मेरे पीछे आ रहे। अरे रुक जा रुक जा, कहाँ जा रहा है? तेरे को पकड़ लिया मैंने। अरे मेरे को कोई तो बचाओ, ग्वेन बचा लो, तुम्हारी गाड़ी ये रही। इधर आ, जल्दी मेरे को गाड़ी दे दे। ए रुक जा, भागता क्यों है, निकाल यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये ले। अरे गाड़ी को तोड़ो मत। अरे ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाल कलर की गाड़ी लेके आया। अरे ये तो सही में बहुत ही अच्छी गाड़ी है, चलो घर चलते। अरे हाँ चलो घर चलते हैं। अरे मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तुमको पता नहीं है क्या? अरे मुझे पता है, तुम टेंशन मत लो ना, मैं हूँ ना, मैं तुमको बचा लूंगा। कितना मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। अरे हाँ मजा तो बहुत आ रहा है। मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे ये वेनम उस लड़की से शादी कर रहा है, ये क्या चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये ग्वेन उस लड़के से शादी कर रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें जवाब तो दे सकती हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ। ओए ये तो पानी में गिर गई। अरे मेरे को स्विमिंग नहीं आती, कैसे बचाऊँ? क्या करूँ क्या करूँ? ग्वेन तुमको बचाने आ गया। ओए मुझको किससे बचाने आए? अरे इस पानी से तुमको मैं बचा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। ओए मुझे तो ना डर लगता है। अरे कहाँ लेके जा रहे बोट को? अरे तुमने मेरे को बचा लिया। अरे हाँ ग्वेन, कोई बात नहीं, मैंने तुमको बचा लिया। ग्वेन मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? क्या तुमसे शादी? अभी वेनम ने मेरे से पूछा था शादी करने के लिए। तो गाइस सर, इन चारों के बीच में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गए। तो ग्वेन ने रखा है यहाँ पे एक पार्कोर चैलेंज, और ये जो चैलेंज कंप्लीट करेगा सबसे जल्दी, वो यार ग्वेन का पति बन सकता है, क्योंकि यार सब ने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो ये देख सकते हो, ये पार्कोर यहाँ से लास्ट में हमको यहाँ पे कूदना है, और सामने हमारी यार ग्वेन बैठी है। जो भी सबसे ज्यादा जल्दी पार्कोर चैलेंज कंप्लीट करके ग्वेन के पास आएगा, वो यार बनने वाला है ग्वेन का पति। इन तीनों के बीच में होने वाला कॉम्पिटिशन, और इसमें हमारे स्पाइडरमैन भैया ने तो शुरू भी कर दिया है। तो देखते हैं ये क्या करके दिखाते, क्या ये बन पाएंगे ग्वेन के पति। गाइस यार आप क्या चाहते हो, कौन यार ग्वेन से शादी करे, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। और गाइस यार आप यार अपने यार फटाफट से खुद का नाम और अपनी क्लास भी मुझे कमेंट कर देना। तो देखते हैं कौन सी क्लास में, तो फटाफट से ये कमेंट कर देना। और अभी स्पाइडरमैन भैया ने यार यहां पे चढ़ चुके, और इस डब्बे के अंदर कूदे, और ये कितना ज्यादा नीचे देखो, नदी बह रही है बहुत ही फुल स्पीड में। अगर जो भी नीचे गया वो तो सीधा बहते दुबई पहुंच जाएगा। और यहां पे देखो ये कितनी यार पतली लाइनों पे चल रहा है, और ये यहां पे अभी ऊपर चढ़ चुका, और ये जनरेटर बॉक्स से ऊपर कूदे कूदे कर रहे हैं। भाई स्पाइडरमैन तो बहुत कूदा कूदी करता है लगता है, ये एक बार भी गिरा नहीं, और ये इतना ज्यादा आगे पहुंच गया। पर अभी भी बहुत हार्ड हार्ड पार्ट्स बाकी है, और यही सेम यार वेनम को भी करना है, सेम हल्क को भी करना है। जो सबसे ज्यादा कम टाइम में करेगा वो यार ग्वेन का पति बन जाएगा। तो देखते हैं अब ये टैंक के ऊपर चढ़ते चढ़ते जा रहा है, आपको क्या लगता है यार कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? और ये तो गिर गया। अरे मैं पूछने ही वाला था कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, और ये तो गिर चुका है। अब बारी हमारे वेनम की। ओए स्पाइडरमैन तो निकल गया हमारी रेस
इससे, अब बस ये हल्क बाकी है। अभी जल्दी जाके मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ और अपनी ग्वेन के साथ शादी करूंगा। चलो फटाफट से यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो गाइस सर, आपको क्या लगता है वेनम जीत पाएगा ये पार्कोर चैलेंज? मुझे फटाफट से बता दो। और अभी यार ये वापस से जा रहा है, मतलब यार सेम अभी तक तो मेरे को लग रहा है स्पाइडरमैन उसका सेम ही टाइम चल रहा है, पर देखते हैं क्या ये वहां से गिरेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन भैया तो हमारे गिर गए। और ये जंप मारा और सीधा उस बॉक्स के अंदर। वेनम तुम कर सकते हो, वेनम तुम कर सकते हो। और ये ग्वेन भी उसको चीयर कर रही है और हल्क भी चीयर कर रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा हल्क क्यों चीयर कर रहा है, उसको तो बल्कि जीतना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो अभी देख सकते हो वेनम फुल स्पीड में भाग के गया और यहाँ पे ये ऊपर चढ़ चुका है और ये भी जनरेटर की वहां पे पहुंच चुका है। देखते क्या ये जंप कर पाएगा। और ये कूदा और मुझे लगा ये सीधा नीचे जाएगा, पर इसने ये कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से अभी ऊपर चढ़ चुका है। देखते अगले जनरेटर पे जंप लगा पाएगा कि नहीं। और ये जंप मारी और ये अगले जनरेटर पहुंच चुका है और ये तीसरे जनरेटर जंप मारी, थोड़ा सा पैर फिसला है पर वापस से यार सीधे हो चुके हैं। और यहां पर स्पाइडरमैन थोड़ा सा आगे जाके गिरा था, देखते हैं क्या ये गिरेगा या फिर ये कंप्लीट करेगा। अब ये यहां से जा रहा है, ये आगे निकल चुका है, बस यार वो चीज आने वाली है जहां से स्पाइडरमैन गिरा था। देखते हैं वैम भाई गिरेंगे कि नहीं या फिर ये कंप्लीट करेंगे। और इन्होंने तो ये कंप्लीट कर दिया, स्पाइडरमैन इधर तक नहीं पहुंचा था। ओ यार वैनम ने इसको कंप्लीट कर दिया और फुल स्पीड में ये जाया जा रहा है। यहां पे कुर्सी के ऊपर चढ़ गया और यहां पे इलेक्ट्रिक मीटर के ऊपर से वहां से निकल चुका है और ये भागते भागते ऊपर जाए जा रहा और ये फिर से नीचे गिरा, पर ये नीचे पूरा नहीं गया और ये तो फुल स्पीड भागे जा रहा है। एक सेकंड कूदने का टाइम आ गया और वेनम तो कूद भी गया और ये बहुत ही गंदी जंप। और यार वेनम भी नहीं जीत पाया, सबसे ज्यादा आगे गया, मतलब स्पाइडरमैन पहले गिर चुका था, वेनम यार लास्ट में गिर गया। अब देखते हल्क क्या करता है यार, अगर हल्क ने कंप्लीट कर दिया तो हल्क और ग्वेन की शादी हो जाएगी, और इसने नहीं किया तो सबसे ज्यादा क्लोज गया था वेनम, तो वेनम की और ग्वेन की शादी हो जाएगी। तो देखते क्या होने वाला है, मतलब स्पाइडरमैन का तो कोई चांस ही नहीं है कहीं पे भी। और अभी यार अपना हल्क भैया फुल स्पीड में जाए जा रहे हैं, ये इसने क्रॉस कर लिया जनरेटर तक, ये पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है ये हल्क यार वहां पे पहुंच पाएगा कहीं? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। हम यार 600K के बहुत ज्यादा करीब है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और यार ये यार इस टैंक तक पहुंच चुका है और देखते क्या ये यहां पे गिरेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन तो यहीं पे गिर गया था। और ये बहुत ही इजीली कंप्लीट कर दिया है और ये यहां पे भी पहुंच चुके। क्या ये वेनम को क्रॉस कर पाएगा? और वेनम को क्रॉस करना मतलब यार जीत जाना, मतलब ग्वेन तक पहुंच जाना। और ये भी यहां से जैसे कुर्सियां चढ़ना चालू कर दिए और ये यहां पे पहुंच चुका है। अब बस यार वो टाइम आने वाला है जब इसको लगाना है जंप ग्वेन के पास जाने के लिए। फुल स्पीड में जाते हुए ये यहां पे सारी सारी बोट्स वाला ब्रिज, और मेरी तकता है मुझे सांस ले रहा है। मैं यार बहुत ज्यादा थक गया, पर कोई बात नहीं, मुझे ये जीतना है, मैं आ रहा हूं, बचाओ मेरे को। और गाइस यार ये हल्क तो पहुंच गया, जीत गया। तो फाइनली इनकी प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। स्पाइडरमैन तो बहुत जल्दी गिर गया था, इसलिए उसको कोई चांस नहीं है। वेनम लास्ट में गिर गया, पर हल्क ने ये कंप्लीट कर लिया, तो आज से ग्वेन और हल्क शादीशुदा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ग्वेन नहीं चाहिए, मुझे वेनम चाहिए, मुझे वेनम के साथ शादी करनी है। वेनम क्या तुम मेरे से शादी करोगे? ओए क्या मैं हल्क, देखो मेरे से शादी करनी है, पागल पागल हो गया है क्या? अबे ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? अरे वेनम रुक जाओ, हम शादी कर लेते। ओए मुझे शादी नहीं करनी हल्क से, ए भागो, ये लड़का पागल हो गया है, मेरे को नहीं करनी शादी, मेरे को छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं ये रेस जीता हूँ, तुम्हें मेरे को शादी करनी पड़ेगी। चलो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। अरे स्पाइडरमैन मेरी बात चलो। हाँ बताओ बताओ। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें तब से चाहती हूँ जब से तुमने मुझे बचाया है पानी में से। क्या तुम मेरे से शादी करोगे? क्या तुम मेरे से शादी करोगी? हाँ हाँ मैं करूँगा करूँगा, तो चलो फिर चलते हैं। अबे ये क्या हो गया, अबे तो इतना बड़ा चैलेंज क्यों कराया था जब तुम दोनों को आपस में शादी करनी थी तो। अरे गाइस यार ये तो बहुत ही बढ़िया सीन हो गया, हल्क को वेनम मिल गया, स्पाइडरमैन को उसकी ग्वेन मिल गई, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मुझे यार फाइनली कोई भी नहीं मिला भाई, दुखी खत्म नहीं होते, क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो, फटाफट से कमेंट बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।